रहे हैं डिजियाना न्यूज, मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। चाचौड़ा विधायक ममता मीना के पुत्र लालू मीना की खुलेआम गुंडागिरी का वीडियो सामने आया है। मामला विगत रात्रि का बताया जा रहा है। जब वह राधोगढ़ क्षेत्र से गुजर रहे थे तभी सुरक्षा कर्मियों के द्वारा उनकी गाड़ी की चेकिंग की जाने लगी, जिससे बौखलाए लालू मीना ने सुरक्षा कर्मियों को खरी खोटी सुना डाली। साथ ही जब उन्हें बताया गया कि यह चेकिंग गुना पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर की जा रही है तो वह पुलिस अधीक्षक के बारे में भी अपशब्द कहने से नहीं चुके। गौरतलब है कि लालू मीना खुद IPS रघुवीर सिंह मीना के पुत्र हैं, पर क्या उन्हें इस प्रकार किसी IPS के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल करना शोभा देता है? अब इसे IPS पिता की शय कहें या सत्ताधारी पार्टी विधायक की दादागिरी कि उनका बेटा जरा सी चेकिंग होने पर इस हद तक पहुंच गया। गौरतलब है कि विधायक ममता मीणा के पति IPS रघुवीर सिंह मीणा पहले भी कई तरह के विवादों में घिरते रहे हैं। वहीं विगत रात हुई इस घटना ने पूरे मीणा परिवार को एक बार फिर नकारात्मक चर्चाओं में लाकर खड़ा कर दिया है। इस सारी घटना से यह साफ तौर पर नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए दादागिरी की किसी भी हद तक जा सकती है। किसकी शिकायत पे कर रहे हो? फिर हम बोल रहे हो उस डिग्गी में रख रखे, बम रख रखे, वहां जाके चेक करो, हम करवाते चेक। सबकी गाड़ी चेक हो रही है, ऐसा कुछ नहीं, सबकी गाड़ी चेक हो रही है। क्यों नहीं चली न्यूज पर? उनका मैटर, न्यूज वालों का मैटर है, वो चलाना की उनका मैटर है, अपना मैटर थोड़ी, पुलिस का मैटर चलाना की चलाना है ना। भाई क्या हो गया? अरे कैसे चेक कर रहे हो तुम लोग? सबकी गाड़ी चेक हो रही है। किसके निर्देश पे कर रहे हो? एसपी साहब, एसपी का बोला है वाला, कह गए एसपी साहब के लिए। कौन सी लालू भैया? राधोगढ़ नगर पालिका का चुनाव अब भाजपा के लिए साख का सवाल बन गया है। कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री ने राधोगढ़ में जनसभा और रोड शो किए थे। वहीं आज केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी भाजपा के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। वहीं मीडिया ने जब केंद्रीय मंत्री से नगर पालिका के उपचुनाव में मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के आने का कारण पूछा तो उनका जवाब था कि हम पहले भाजपा के कार्यकर्ता हैं, मंत्री व केंद्रीय मंत्री बाद में। वहीं उन्होंने कांग्रेस को एक विषय विहीन पार्टी भी कहा। वहीं राधोगढ़ नगरपालिका उपचुनाव में इतने बड़े नेताओं का आना यह दर्शाता है कि भाजपा राधोगढ़ में कांग्रेस के किले को ढहाना चाहती है। अब इस चुनाव में दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यात्रा को लेकर राघोगढ़ में नगर पालिका का उपचुनाव है तो आज पार्टी ने राघोगढ़ में मेरा कार्यक्रम बनाया
तो राघोगढ़ उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार की दृष्टि से मेरा आना हुआ है। राज्य में अनेक नगर पालिका के चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं, सभी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी ताकत से काम कर रहे हैं और पहले की तरह इस बार भी नगर पालिका चुनावों में भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल करेगी। नगर पालिका चुनाव में मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जैसे लोग हिस्सा ले रहे हैं, ये कहां तक आप इसको भारतीय जनता पार्टी में? हम पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बाद में केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर मैदान में है तो हम सबका फर्ज है, हम उसकी मदद के लिए जाएं। कर्नाटक गली में जाने के बयान के बाद राहुल जी ने कहा कि आरएसएस और उसके बारे में नहीं बोलना, हमें किसी टिप्पणी नहीं करना है, तो क्या मानते हैं इसको राहुल गांधी के बयान? देखिए, कांग्रेस विषयहीनता के दौर से गुजर रही है। राष्ट्र का कोई भी विषय हो, चाहे वो GST हो, चाहे वो हिंदुत्व हो, चाहे वो अन्य विषय हो, 3 तलाक का विषय हो, हर मामले पर कांग्रेस कंफ्यूज है और कांग्रेस का नेतृत्व कंफ्यूज है, उसी के कारण कांग्रेस की हालत हो रही है, ये हालत और बिगड़ने वाली। मध्य प्रदेश में महिला कर्मचारियों ने मुंडन कराया है, इस विषय में बड़ी टिप्पणी आ रही है सामने, शत्रुघ्न सिन्हा ने भी टिप्पणी की है। देखिए, मध्य प्रदेश में सरकार सभी वर्गों के लिए समानता से काम करने का प्रयास कर रही है, हर वर्ग की अपनी समस्याएं और अपेक्षाएं होना स्वाभाविक है, लेकिन मैं तो इतना ही सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि एक समय था जब 2003 में हम लोग सरकार में आए थे तो पंचायत सचिव जो काम करता है उसकी तनख्वाह कितनी थी और आज उसकी तनख्वाह कितनी है, और जिसको शिक्षा कर्मी कहते थे वो शिक्षक उसकी तनख्वाह कितनी थी और आज कितनी। मध्य प्रदेश में अभी क्या प्रदेश अध्यक्ष की कमान किसी और को दी जाएगी क्या? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सेटल है, हम 2018 में फिर से सरकार। महाराष्ट्र में हुए दलितों पर हमले के विरोध में आज बहुजन यूथ एंड स्टूडेंट फ्रंट ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि महाराष्ट्र के भीमाकोरे गांव में दलितों के कार्यक्रम में हुए हमले, आगजनी, अत्याचार एवं केंद्रीय मंत्री द्वारा संविधान बदलने वाले बयान को लेकर विरोध किया गया, साथ ही दोषियों को फांसी की मांग भी इस ज्ञापन के माध्यम से की गई। एक जनवरी 1818 में 500 महार सैनिकों ने, महार रेजिमेंट ने 28,000 पेशवाओं को मार गिराया था। ये हमारे बाप दादा थे, इनको हम हर साल श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए कोरेगांव, भीमा कोरेगांव में इकट्ठे होते थे हमारे समाज के लोग। और 1 जनवरी 2018 को इस कार्यक्रम के 200 वर्ष पूर्ण हुए थे। 200 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विशाल कार्यक्रम किया गया था। पूरे देश के 22 लाख लोग, 22 लाख अम्बेडकरवादी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे और कुछ मौका परस्त हिंदूवादी संगठनों ने इस पर कुठाराघात किया, हमला किया, आगजनी की। इसमें करीबन 40 से 50 गाड़ियां जली, कुछ लोगों की जान भी गई। ये गलत है, स्वतंत्र भारत में 500-700 मकान भी जला दिए है, बहुत बड़ा घटना हुआ है। पूरे राष्ट्रक्रम में ये स्थिति है और आज पूरा समाज, बहुजन समाज अपने आप को इस देश में असुरक्षित महसूस कर रहा है। संविधान रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर का सपना आज पूरा नहीं हो पा रहा है। आज देखा जाए तो सड़कों पर ये स्थिति है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को उतरना पड़ रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है कि लोकतंत्र खतरे में है, कहाँ जा रहे हैं हम लोग, क्या तरक्की कर रहे हैं इन सारी घटनाओं के विरोध में। इसके अलावा इनको आरोपियों को जल्द से जल्द, ये जो आरोपी है उसके फांसी की मांग, उस कांड के संभाजी उर्फ मनोहर भिड़े और मिलिंद एकमोटे, इनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए और फांसी की सजा दी जाए। और जो लोग हैं जो इस देश में संविधान बदलना चाहते हैं, अभी पूरी तरह लागू भी नहीं हुआ और बदलना चाह रहे हैं, उनको
फांसी दी जाए और उनको सरकार से निकाला जाए। सरकार के इरादे ठीक नहीं है, इसलिए दलित समाज, मुस्लिम समाज इकट्ठा होकर इन बेकार गतिविधियों का विरोध कर रहा है और दलित मुस्लिम एकता का परिचय दे रहा है। पति ने दिया पत्नी के खिलाफ आवेदन, जिसकी जांच सही पाई जाने पर दर्ज हुई पत्नी और सहयोगी पर FIR। कैंट निवासी इमरान अहमद कुरैशी ने अपनी पत्नी एवं उसके सहयोगी पर आरोप लगाया कि वह उसे दहेज एक्ट एवं बलात्कार और आत्महत्या के केस में फंसा सकते हैं, जिसकी जांच कर सही पाई जाने पर इसी आधार पर इमरान की पत्नी और उसके सहयोगी पर FIR दर्ज की गई। क्या नाम है आपका? इमरान अहमद कुरैशी। बताएं क्या है ये मामला? इमरान अहमद कुरैशी, ये शाहिदुल्लाह खान और मेरी वाइफ रुखसार खान, ये दोनों मिलकर कुछ षड्यंत्र रच रहे थे मेरे खिलाफ और मेरे घर वालों को, मेरे भाई को, मेरी माँ को, इन सबको दहेज एक्ट में और मेरे को बलात्कार के केस में फंसाने की साजिश थी इन लोगों की। तो इसकी जो वीडियो रिकॉर्ड, इसकी जो रिकॉर्डिंग थी मेरे पास, ऑडियो रिकॉर्ड, जो कि इसका मोबाइल मैंने पकड़ा, तो उसमें मेरे को ये सब चीज़ें मिली। तो उस चीज़ को देख के मेरे को एकदम शॉक्ड लगा और इसके लिए मैंने FIR की और FIR करके इनके ऊपर मुकदमा करवाया। सलामुल्लाह खान, ये कौन है? ये शाहिदुल्लाह खान जो है मेरा भाई का बहुत करीबी दोस्त है और जो मेरे कर्नलगंज हेड पोस्ट के सामने रहता है। तो उसने और मेरी वाइफ ने दोनों ने मिलकर आपस में षड्यंत्र रचा। इमरान अहमद कुरैशी निवासी बांसकेड़ी ने कभी कुछ दिन पूर्व ही थाने पर एक आवेदन पत्र दिया था, जिसमें उसने बताया था कि उनकी पत्नी रुखसार खान और उनकी पत्नी के दो शाहिद खान, ये दोनों मिलकर उनको फंसाना चाहते हैं दहेज एक्ट के केस में, बलात्कार के केस में और आत्महत्या के केस में। इनमें उन्होंने आवेदन के साथ एक CD भी पेश की, जिनमें इन दोनों की बातचीत की रिकॉर्डिंग थी, जिसमें एक दूसरे से बात करके प्लानिंग कर रहे हैं उनको फंसाने की। उस पूरी CD की जांच की एवं उनके स्टेटमेंट आवेदन पत्र की जांच की, जांच पर से ये अपराध पाया गया, जिसमें इनकी पत्नी रुखसार अहमद और उनके पत्नी के दोस्त शाहिदुल्लाह खान के विरुद्ध थाने में अपराध पंजीबद्ध किया, धारा 420, 389, 120, 34 का अपराध पंजीबद्ध कर इसको विवेचना में ले लिया गया है और जांच की जा रही है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया कुमारी मायावती का जन्मदिन आज गुना में जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया गया। इस उपलक्ष्य में बहुजन समाज पार्टी गुना द्वारा एक बाइक रैली भी निकाली गई। इस कार्यक्रम में दल के प्रभारी राम कुमार पाल भी सम्मिलित हुए। भारत किनारा है और कुर्सी की खातिर वो भीम को बुलाया है। सम्मानीय साथियों, नेता तो अनपढ़ जिले के आप लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़ा लिखा होना और गुना होना जमीन आसमान का फर्क है। साथियों आप गुने लोग हैं, भले ही आप कम पढ़े लिखे हैं लेकिन गुने ज्यादा हैं। साथियों, जोरदार तरीके से हम नारे लगाकर आदरणीय बहन जी के जन्मदिन पर बहुजन समाज पार्टी, उन्होंने साइमन कमीशन बना करके बाबा साहब के आवेदन को स्वीकार करते हुए और कहा के साइमन तुम जाओ, ये डॉक्टर अंबेडकर जो कह रहे हैं इसकी आप विवेचना करिए, आप जाकर के इन्वेस्टिगेशन करिए कि देश के अंदर, भारत के अंदर क्या इस तरह के गैर बराबरी के सिद्धांतों के ऊपर जाति व्यवस्था है। हमने इस शहर में युवाओं की बाइक रैली निकाली, लंबी आयु के लिए हमने कामना की है। हमारे युवाओं ने आज संकल्प लिया है कि आने वाले समय में आदरणीय बहन जी को हम देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। इसी संकल्प के साथ आज गुना जिले में हमारे सम्माननीय ग्वालियर जोन के प्रभारी सम्माननीय पाल साहब के नेतृत्व में आज हम इस कार्यक्रम को आयोजन किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने की पत्रकार वार्ता। इस पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि मुंगावली और कोलारस के चुनाव तथा राधोगढ़ में नगरपालिका के चुनाव में भाजपा इतिहास रचने जा रही है। उन्होंने बताया कि भाजपा के सभी कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, जिससे एक तरफ राजा और दूसरी तरफ महाराजा गफलत में हैं। इन चुनावों में कांग्रेस की जमीन खिसक रही है। प्रभात झा ने इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा किया। मैं एक चीज अपनी तरफ से कह रहा हूं, मुंगावली और कोलारस एक बार इतिहास रचने जा रहा है।
और उसके पहले राघोगढ़ का चुनाव, जिसको लोग समझ रहे थे कि वॉकओवर है, उसको हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने, ममता मीना ने, नागर जी ने, सारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, राघोगढ़ के सभी कार्यकर्ताओं ने, गुना के सभी कार्यकर्ताओं ने, विधायक गोपीलाल जी हो, पन्नालाल जी, सब गए वहां। आज ये स्थिति पैदा कर दी है कि जमीन घिसक रही है, एक तरफ महाराजा गफलत में है, दूसरी तरफ राजा गफलत में है। और मैं डिमांड करना चाहता हूं, राजेंद्र जी भी अपना श्वेत पत्र जारी करेंगे जब इनके 5 साल होंगे, और उनके तो हो चुके हैं, करोड़ों रुपए आए हैं, उनको तत्काल 17 तारीख के पहले श्वेत पत्र जारी करना चाहिए राघोगढ़ के नागरिकों के हित में कि मैंने ये पाया था, ये खर्च किया, कोई हिसाब नहीं है। और इसलिए राघोगढ़ की जनता से निवेदन है कि जो हिसाब नहीं देता है उसको हिसाब से बाहर करो। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी, सारे अपने वार्ड के जितने भी हैं वहां पर 24 के 24 वार्डों में हमने आग्रह किया है। आज राधेश्याम जी ने हम सबका, माननीय नरेंद्र सिंह जी का जनसंपर्क रखा है, 30 साल से तो वही है, उनके पिताजी तो वो थे, वो गए क्या आज तक? करीला का अपमान करने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को जनता बर्दाश्त नहीं, ये अपमान है करीला माता। और शिवराज सिंह जी को बधाई देता हूं मैं कि लगभग 7 करोड़ रुपए, मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने मुझसे पूछा, उनको आरसी लाहौटी जी ने बताया जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, कि हमारे अशोकनगर में, उन्होंने कहा मैं अशोकनगर का रहने वाला हूं, तो उन्होंने कहा कि क्या, उन्होंने कहा हमारे करीला धाम सीएम साहब बहुत है, आप वहां जाइए जरूर। तो हमको राष्ट्रपति जी ने शिवराज जी को पूछा, मेरे को पूछा, ये कहां है करीला धाम? मैंने कहा अशोकनगर में। उन्होंने कहा बड़ी चर्चा सुन रहे हैं। मैंने कहा मां जानकी ने लव कुश को जन्म दिया था, और ये लव कुश और मां जानकी और सबरी माता का अपमान करने का अधिकार ज्योतिरादित्य को नहीं। कैंट पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 10,000 का इनामी पारदी गिरफ्तार। कैंट थाना प्रभारी आशीष अपरे ने बताया कि धन सिंह पारदी निवासी बीला खेड़ी पर कई अपराध दर्ज हैं, जिससे यह फरार चल रहा था, जिसमें लूट, हत्या के प्रयास, बाइक चोरी जैसे अपराध दर्ज हैं। मुखबिर से सूचना मिली थी कि मकरावदा डैम पर कुछ पारदी बैठे हैं, जिन्हें पुलिस ने मौके पर घेरा, जिसमें अन्य पारदी फरार तो हो गए, लेकिन धन सिंह पारदी पकड़ा गया। ये धन सिंह पिता बरवरिया पारदी निवासी बीला खेड़ी का है, ये 10,000 का इनामी है और कई अपराधों में फरार भी था। ये थाना कैंट की दो जो लूटी हुई थी कंटिन्यू खेजरा रोड पर आज से लगभग 1 महीने पूर्व, इन दोनों वारदातों में ये और इसके साथी शामिल थे। इससे पूर्व भी इन्होंने गुलाबगंज से और खेजरा रोड से मोटरसाइकिल भी चुराई थी। ये थाना धनौदा से लूट के अपराध में और हत्या के प्रयास में भी फरार है काफ़ी समय से। इस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस पर 10,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि ये अपने सभी साथियों के साथ मकरावदा डैम के पास के जंगल में है ये, और वहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं, फरारी काट रहे हैं। सूचना पर तत्काल पुलिस फोर्स रवाना हुई और वहाँ पर घेराबंदी हुई, तो काफ़ी पारदी भागे, भाग के पकड़ा तो ये धन सिंह पारदी को मौके से पकड़ लिया गया। इससे पूछताछ की, नाम पता पूछा तो धन सिंह पारदी ने नाम बताया, इसको थाने के प्रकरणों में गिरफ्तार किया। इसके 2 स्थायी वारंट थाना धनौदा से भी जारी हुए, उन प्रकरणों में इसको गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। और इसमें जो भी इसने संपत्ति लूटी है, मोटरसाइकिल, चैन, अंगूठी, जैसे इनके संबंध में बयान भी लिया जा रहा है। SU-CI पार्टी ने किया प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन। अध्यापकों द्वारा भोपाल में जारी विरोध प्रदर्शन के समर्थन में SU-CI पार्टी ने प्रदर्शन किया, जिसमें अध्यापकों की मांगों के समर्थन में समान कार्य एवं समान वेतन शिक्षा विभाग में सम्मेलन किया जाना है। इसी क्रम में SU-CI द्वारा गुना में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। लोगों ने, कई अध्यापकों ने अपने सिर का मुंडन तक करा लिया, यहाँ तक कि महिला अध्यापकों ने तक कल अपने सिर का मुंडन करा लिया। इस घटना से पूरे प्रदेश के अंदर, लोगों के अंदर एक रोष व्याप्त है। इस
घटना के खिलाफ आज एसोसिएट पार्टी द्वारा भी गुना जिला कमेटी द्वारा यहाँ एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और अध्यापकों की जो मांगे हैं उनका हम समर्थन करते हैं और इस प्रदर्शन में हम इनकी मांगों को समर्थन करते हुए ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इसकी शुरुआत में सबसे पहले मैं हमारी म्यूजिक टीम को परसों जो शिक्षकों ने अध्यापकों ने अल्टीमेटम दिया हुआ था 13 जनवरी का इस सरकार को उनकी जो जायज मांगे हैं समान कार्य के लिए समान वेतन और संविदा ये जो शिक्षा विभाग में संविलियन इसको लेकर पिछले 1.5 महीने से लगातार मुख्यमंत्री के साथ बातचीत होने का एक दौर चल रहा था। 3 बार ये बातचीत टली और शिक्षकों ने परसों के दिन अल्टीमेटम दिया था और जब सरकार ने उसकी अनसुनी की तो शिक्षकों ने विशेष तौर पर महिला शिक्षिकाओं ने जम्बूरी मैदान में मुंडन कराया। सरकार की ये स्थिति आ गई है, सरकार बिल्कुल अलोकतांत्रिक होकर असंवेदनशील होकर किसी की बात को सुन नहीं रही है। इस तरह की जो स्थिति बनी है उसके विरोध में आज एसयूसीआईसी पार्टी की तरफ से पूरे प्रदेश भर में विरोध दिवस मनाया जा रहा है जो सरकार की असंवेदनशीलता है और इस मांग को लेकर कि शिक्षकों का संविलियन किया जाए, उनकी जायज़ मांगें पूरी की जाए और साथ ही साथ स्थायी तौर पर शिक्षकों की भर्ती की जाए। इसलिए आज ये प्रदर्शन यहाँ पर भी रखा है और भोपाल समेत अलग अलग जिलों में ये प्रदर्शन की कार्रवाई विरोध कार्रवाइयाँ की जा रही है। राधौगढ़ नगर पालिका उपचुनाव में आज प्रचार का अंतिम दिन था जिसमें दोनों पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। जहां भाजपा के मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक नगर पालिका चुनाव में प्रचार करने पहुंचे हैं, वहीं दूसरी ओर राधौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह अकेले ही पूरे मैदान में डटे हुए हैं। नगर पालिका क्षेत्र में अपने पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। यहां देखने लायक बात यह भी है कि नगर पालिका उपचुनाव में कई दिग्गज नेता आ रहे हैं, वहीं विधायक जयवर्धन सिंह कई नेताओं के सामने अकेले डटे हुए हैं। और के लिए विशेषकर हमें इस बार तीनों वार्ड कांग्रेस के हाथ में देने हैं ताकि इस बार 23 नहीं 2400 वार्ड में हाथ का पंजे का झंडा लहराए और ऐतिहासिक जीत इस बार कांग्रेस को हम दिलवाए। आप सबने आज यहाँ पर एक ऐतिहासिक आयोजन सभा आयोजित की डिजियाना न्यूज में खबरों का सिलसिला आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।